Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं दो स्टाइल के फालूदे, रॉयल फालूदा और चॉकलेट फालूदा। वैसे आप रमजान का स्पेशल है, आप आड़े दिनों में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालूदाज आज के। चलिए सबसे पहले आधा लीटर दूध को पतीली में डालिए फास्ट आंच पर, उसे एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है, अब चूल्हे को कर दीजिए स्लो या मीडियम आंच। 1.5 टेबलस्पून जितना शक्कर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो कम या ज़्यादा शक्कर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए 2 से 3 टेबलस्पून जितना रोज़ सीरप, जो रू अफ़ज़ा होता है वो, कोई भी कंपनी का आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और तब तक पकाएं जब तक शक्कर नहीं गल जाती। 1-2 मिनट में तो शक्कर गल जाएगी। जब गल जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाता है रूम टेम्परेचर पे आके, तो इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, सो दैट अच्छा ठंडा हो जाए, तो बहुत मज़ा आएगा। 2-3 घंटे के बाद जब दूध रू अफ़ज़ा वाला हमारा अच्छा ठंडा हो जाता है, तो एक बाउल के अंदर 1.25 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना सब्जी के बीज डालें, 1/2 कप पानी डाल दें, मिक्स कर लें और उसे 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दें। 10-15 मिनट में तो वो फूल जाएंगे। ये सब्जी के बीज की तासीर ठंडी होती है, तो जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंड पहुंचाती है गर्मी के सीजन में। ये आप जितना हो सके शरबतों में डाल डाल के इसे पिए, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जब सब्जी के बीज को 15 मिनट हो जाए और फूल जाए, तो यहाँ मैंने लिया है ठंडा ठंडा हमारा दूध। ये है रू अफ़ज़ा का सेव, मैंने घर में बनाया है। आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, मैं ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। सबसे पहले आप ग्लास के अंदर जो रू अफ़ज़ा होता है ना, इस तरीके से ड्रिजल कीजिए ग्लास की वॉल के ऊपर, और जब ड्रिजल कर लें अच्छे से, तो उसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून फालूदे की सेव, या फिर होले आप कहते हो, मैं तो इसे होले ही कहती हूँ। मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए थोड़ा सा, हमने ये जो भिगाकर साइड पर रखा था ये सब्जी के बीज, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए 1 टेबलस्पून सीरप, रोज सीरप। वैसे मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दूध में थोड़ा कम ही रखा है, सो दैट ज़्यादा मीठा ना लगे, और यहाँ पर हम ये जो सीरप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भरकर वैनिला आइसक्रीम, इससे टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, ज़रूर डालिएगा। उसके बाद डालिए सूखा मावा, जिसे हम बादाम पिस्ते कहते हैं, बारीक कटे हुए डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने ठंडा ठंडा जो शरबत बना के रखा है वो डालकर ये जो हमारा ग्लास है उसे सारा भर दीजिए इस तरीके से। अब डाल दीजिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप चाहें तो फिर से मैं थोड़ा सा आइसक्रीम ऊपर डाल रही हूँ। उसके बाद ये जो सेव है आपने बना के रखी फालूदा वो डाल दीजिए। उसके बाद थोड़े से सब्जी के बीज डालिए, थोड़ा सा वो ड्रिजल कर दीजिए रोज सिरप इसके ऊपर, और उसके ऊपर अब बादाम पिस्ते से डेकोरेट करके ठंडा ठंडा हमारा रॉयल फालूदा सर्व कीजिए। ये बन गया हमारा बढ़िया सा रॉयल फालूदा। अब आप इससे ही हिसाब से दूसरा वाला ग्लास भी बना लीजिए। एक सॉस पैन के अंदर 2 कप दूध डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। ये साइड पर मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट को छुरी की मदद से बारीक रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए एक उबाल आ गया, मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और ये जो डार्क चॉकलेट है 50 ग्राम मैं ये डाल देती हूँ और कंटिन्यूस चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो क्या है, गर्म दूध में तो ये तो 1 मिनट में पिघल जाएगी। फर्ज करो अगर नहीं पिघलती है तो चूल्हा स्लो आंच पर चालू कर दीजिए और तब तक पकाइए जब तक ये
पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी चूल्हा चालू करने की। अच्छा, यहाँ मैंने 50 ग्राम लिए, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, चख लीजिएगा। मैंने शक्कर नहीं डाली है, आप चाहें तो थोड़ी सी 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितनी शक्कर भी डाल सकते हैं। मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारी चॉकलेट आती है ना, मिल्क चॉकलेट, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से घुल चुका है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रिज में 2-4 घंटे के लिए ठंडा होने रख दीजिए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना आपको मज़ा आएगा फालूदा खाने में। जब 2-3 घंटे हो जाए और सर्विंग का टाइम आ जाए तो यहाँ एक बाउल के अंदर 1 टेबल स्पून जितना सब्जों के बीज एक बाउल में डालें, आधा कप पानी डालकर मिक्स कर इसे साइड पर 10-12 मिनट के लिए रहने दें। कुछ देर में तो ये फूल जाएंगे, 10-12 मिनट में। तो तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सब्जी के बीन्स कितने अच्छे फूल चुके हैं। पेट के ठंडक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़रूर डालिएगा। ये है बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते, वो है मोटा मोटा मैंने चॉप करके रखा है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। ये है चॉकलेट सीरप, ये है वैनिला आइसक्रीम, आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम भी ले सकते हैं, बट मैं वैनिला प्रेफर करती हूँ। और वो है जो अभी हमने चॉकलेट का मिल्क बनाया था, ये मैंने 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब 3-4 घंटे के बाद मैंने बाहर निकाला है। और ये है फालूदा की सेव कहिए या फालूदा के होले कहते हैं, मैंने घर में बनाया, कल बना के मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था, हार्डली 5-7 मिनट में तो बन जाते हैं। और आज मैं इसे इसमें डालने वाली हूँ, आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं या मेरी तरह घर में बनाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बनाकर अपलोड जरूर करूंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले ग्लास के चारों ओर अंदर की साइड पर ये जो चॉकलेट सिरप है ये इस तरीके से ड्रिजल कीजिए ग्लास की वॉल के ऊपर। मैंने टॉल ग्लास लिया, आप छोटे ग्लासेस भी ले सकते हैं। ये जब आप लगा दें इस तरीके से, देख सकते हैं आप, इसमें डाल दीजिए होले कहिए या फिर फालूदा के सेव कह सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून जितना। अब डाल दीजिए सब्जे के बीज, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितने। अब ये जो सिरप हमने लिया है उसे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितना इसके अंदर ड्रिजल कर दीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम पिस्ते नीचे डाल दीजिए सूखा मावा, उसके बाद ये जो हमने चॉकलेट का मिल्क जो दूध बना के रखा है ये डाल दीजिए। अब इस समय आपने देखा कि मैंने चॉकलेट सीरप 1 डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ शक्कर नहीं डाली है ये वाले दूध में, और जो चॉकलेट भी डाला है वो भी कम डाला है, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार मिठास के लिए कर सकते हैं। 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम डाल दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सीरप ड्रिजल कर दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से होले, जिसे ये कहते हैं सेब, फालूदा सेब, वो डाल दीजिए थोड़े। उसके साथ साथ थोड़े से तुकमुरी, जिसे हम सब्जी के बीज कहते हैं, वो डाल दीजिए। थोड़े से उसके ऊपर बादाम और पिस्ते डाल दीजिए। फिर से थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप ड्रिजल करके इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ। आप पिए और मिठास कम लगे तो चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ड्रिजल कर दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा ग्लास भी बना लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए हमारा मज़ेदार सा बढ़िया सा चॉकलेट फालूदा। मैंने रमज़ान के लिए कुछ डेजर्ट की रेसिपीज बनाई है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।